दुल्हनिया श्री विष्णु जी रह गए, नारद जी तुम देखते ही रह गए। शंकर के गण आए, हंसी उड़ाने लगे और कहा, हे नारद जी दुल्हनिया तो विष्णु ले गए। और कहने लगे, दुल्हनिया श्री विष्णु जी ले गए, दुल्हनिया श्री विष्णु जी ले गए, नारद जी तुम देखते रह गए, नारद जी तुम देखते रह गए। हंस रहे कर्ण देखे तारे, हंस रहे कर्ण देखे तारे, सजनी ले गए विश्व प्यारे, सजनी ले गए विश्व प्यारे। आए संजुदा, आए संजुदा प्यारे हाथ नमे दे गए, संजुदा प्यारे हाथ नमे दे गए, दुल्हनिया श्री विष्णु मिले गए। पानी में जब डाल खायो, पानी में जब डाल खायो, नारद गुजार दिया में आयो, नारद गुजार दिया में आयो। हाय अरमा, हाय अरमा सब पानी में बह गए, हाय अरमा सब पानी में बह गए, दुल्हनिया श्री विष्णु जी रह गए, नारद जी तुम देखते रह गए। सब अरमा, हाय अरमा सब पानी में। अरे नारद जी ने तो बड़े बड़े अरमान, अरमा महाराज बोले ब्याह है जाएगो, अब ये विश्व मोहिनी है, सुंदर है, फिर तो फ्लैट में बैठेंगे, कलकत्ता जाएंगे या दुबई जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, हाँ हिल स्टेशन जाएंगे। अरे बड़े बड़े अरमा हुए महाराज। अब नारद जी तुम देखते ही रह गए, अब नारद जी की हालत बड़ी खराब हो गई। अरे माया तो भाई भाई मायापति की है, माया किसकी है ऐसे नहीं समझोगे मास्टर जी, मास्टर ने कौन की है? मास्टर ने, मास्टर जी की पंडितानी कौन की है? चौधरी कौन की है? सेठानी कौन की है? जब सेठानी सेठ जी की है, मास्टरनी मास्टर जी की है, पंडितानी पंडित जी की है, तो फिर माया कौन की है? मायापति की है। ए, सीधी सीधी बात है, तो बोलो जय श्री राम। अब कोई भगवान महाराज, कोई भगवान की माया से कहने लगे कि तू मेरे साथ विवाह कर ले, तो कोरी मुंह रखता है ना है? कोई मास्टरनी से कहने लगे कि तुम इस संग ब्याह कर ले तो मास्टर निकल लेगी। अरे लक्ष्मी तो भाई, माया तो माया पति की है, ये हमारी मूर्खता है, माया को हम अपनी बनाना चाहते हैं, लेकिन माया हमारी कभी हो ही नहीं सकती। माया का स्वभाव है, माया अशांत तो कर सकती है तुमको, लेकिन तुम्हारी नहीं हो सकती। माया अशांत करती है, माया का ही स्वभाव है, जहां माया आ जाती है ना, थोड़े से पैसा आ जाओ, अरे साहब मारा कलप लग जाए कपड़ा में, कॉलर खड़े है जाए। माया का ये स्वभाव क्या है, ना तो स्वयं शांत रहती है और जहां चली जाती है उसको भी शांत नहीं रहने देती, क्योंकि माया पति की है। माया हमारी तुम्हारी होती ना तो ठीक है, फिर शांत हो जाती। अब महाराज शिवगणों ने कहा, स्वरूप देखा खूब ताली दे दे के हंस रहे, अरे क्या बात है, अरे बाबा ने अपना स्वरूप या पानी में देखियो, छाया देखो, स्वरूप देखा, देखा सुंदर नहीं है, बंदर है, ओहो सो उनको क्रोध में आकर के उन शिवगणों को श्राप दे दिया, तुम राक्षस बनोगे। और फिर इतना क्रोध आया, आहा भगवान विष्णु ने मेरी ये दशा करी है, अब यह देखू निगमो मिल जाएगा। इतनी साधना करने के बाद में नारद जी में से तीन दुर्गुण नहीं गए, काम क्रोध और लोभ। हमारी तुम्हारी कौन कहे भाई, नारद जी में इतनी साधना की है, नारद जी के नाम को कौन नहीं जानता बताओ,
भगवान नारायण की डायरी में स्पेशल फोन नंबर लिखो रे नारद जी को, और फोन सबको तो ऐड नहीं करेगा, जो विशेष हो उसका लिखा जाता है। पर फिर भी इतनी साधना करने के बाद में नारद जी में से तीन दोष तीन अवगुण नहीं निकले, काम क्रोध और लोभ। भाई विष्णु को देख करके काम जागा, लोभ आ गया, ये मुझे विवाह मेरे साथ विवाह कर ले तो मैं अजर अमर हो जाऊं, 14 ब्रह्मांडों का नायक बन जाऊंगा, ये लोभी। तो एक क्रोध बाकी था, वह अब शुरू हो गया। सो महाराज विष्णु यहाँ जा रहे, निक मुँह मिल जाएगा या निक देखूं दो दो हाथ करूं जाता, ये नारायण ने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मुझे सुंदरता की तरह बंदर जगह पर इसने मुझे बंदर का रूप दे दिया। और महाराज ऐसा सोचते जा रहे हैं, भगवान को गाली देते जा रहे हैं, सोच रहे विष्णु निक मिल जाए, बीच पंत मिले धनुजारे संग रमा सोई राजकुमारी। अब रास्ता में मिल गए, रथ में बैठ के बैठा के विष्णु नहीं ले जा रहे, आप बैठे बीच में मिल गए। बोली मधुर वचन सुरसाए, कहा चले विकल की नाई, ऐसे हंस के बोले कहो मुन के चले विकल की नाई, कहाँ जा रहे हो महाराज जी, पैदल थक गए होंगे, जले पे नमक डाल रहे हैं। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया वसन रहा मन बोधा, माया के वश ऐसे हो गए बोधा, यानी ज्ञान नहीं रहा और क्रोध में आ गए। कहा नारायण खबरदार, तूने मेरी ऐसी हालत कर दी, मुझे तूने बंदर बना दिया। पर संपदा सको नहीं देखी, और तुमने ईर्षा कपट विशेषी, तुम बड़े ईर्षालु हो, तुम स्वार्थी हो, कपटी हो, दोगीवाज हो, तुम दूसरे की संपत्ति देख करके खुश नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। शंकर जी को तुमने जहर पिला दिया और अमृत तुमने देवताओं को पिला दिया, शंकर जी को तो विष पिला करके उनको बाबला बना दिया, राक्षसों को मदरा पिला दी, देवताओं को अमृत पिला दिया, लक्ष्मी को और मणि को अपने पास रख लिया, तू बड़ा चतुर है, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, जो मन में आता है सो करते हो। भगवान को ऐसी ऐसी गालियां महात्मा जी देने लगी नारद जी, भगवान नारायण महाराज मन ही मन मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी जी बोली महाराज ये बाबा जी ज्यादा नहीं बोलो, भगवान तो बोली ना, लक्ष्मी बोली महाराज ने बाबा जी ये बात करो तुम, बोले क्यों, बोले तुम्हें नॉन स्टॉप गाली दे रहे हो और तुम बिल्कुल नहीं बोल रहे। अच्छा एक बात माता हूं मैं, विशेष पति की कोई निंदा करता है तो सुनती नहीं है,